तूफान में भीगते हुए नन्हे सुरों को ममता का आंचल मिल गया। उस्ताद जी नहीं माने, मगर नानी अपनी जिद पर अटल रही। आखिर मासूम कुलवंती ने उनका दिल जीत ही लिया। नानी की पनाह में और उस्ताद जी की निगरानी में फुलवंती की साधना का आरंभ हुआ। कली खिल गई और देखते देखते चारों दिशाएं उसके घुंघरू की छनछनाहट से गूंज उठी। रूप और कला की सम्राज्ञी को पेशवा दरबार में निमंत्रित करने के लिए साहूकार गोपाल नायक उसकी हवेली में हाजिर हुए, मगर भेष बदल कर। जब फुलवंती को उनकी मर्मग्राही रसिकता का पता चला, तब उसने अपने मन की बात उनसे कह दी। मस्तानी बाई के चरणों से पावन हुई पुना की धरती पर मुझे नाचना है, गाना है। अगर मुझे पुना जाना है तो इसलिए कि मैं मस्तानी की दहलीज पर माथा टेकूं, श्रद्धा और भक्ति के फूल चढ़ाऊं। खूब कहा बेटी, अब वो दिन दूर नहीं जब श्रीमंत बाजीराव पेशवा के यहां मियाना क्यों रोक दिया? कहते हैं शास्त्री की पालकी को आगे जाने दो। श्रीमंत पेशवा की ओर से गोपाल नाईक आपका स्वागत करता है। आओ बेटी।
तुम यहाँ विश्राम करो, हम थोड़ी देर पश्चात आते हैं। तो क्या साहूकार हमें तनहा छोड़कर जाएंगे? नहीं फुलवंती, महफिल की व्यवस्था की हमें जाती तौर पर निगरानी करनी है। यह महफिल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी कुछ खास माने रखती है। वो क्यों? इसलिए कि पेशवा दरबार में हमने दावा किया है कि आज तक दरबार में जितनी भी नृत्यांगनाओं ने हाजिरी दी हो उन सबसे बढ़कर होगी फुलवंती, रूप में, नृत्य में, गायन में। तो जाहिर है फुलवंती, हमारे रसिकता की आज एक तरह से परख होने वाली है। आपने मेरे लिए इतने सम्मान के शब्द कहे, मुझे विश्वास है कि आपका ये दावा सच होकर रहेगा। बिल्कुल सच होकर रहेगा। और फुलवंती, पूना के रसिकों की दाद पाकर तुम्हें भी बड़ी खुशी होगी। इस बारे में मेरे मन में शक है। फुलवंती, तुम तो पहेलियां बुझाने लगी हो। तुम इस नतीजे पर कैसे आ पहुंची कि इस नगरी में कलाकारों का उचित सम्मान होता ही नहीं? हम तो कहेंगे तुम चाहे दिल्ली से चंदावर तक दरबार फतेह कर चुकी होगी, लेकिन पेशवा दरबार में तुम्हारी सीरत का सम्मान होगा। अगर ऐसा होता तो आज रास्ते में एक सामान्य पुरोहित के पालकी के सामने हमारा मियाना रोका नहीं जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है साहूकार, और मजे की बात तो यह है कि वो पुरोहित दिन दहाड़े अपने पालकी के सामने मशाले लिए चल रहा था। तो क्या वो व्यंकटेश शास्त्री की पालकी थी? तो इसमें कोई गलती नहीं है फुलवंती। व्यंकटेश शास्त्री एक ऐसी हस्ती है जिनके सामने श्रीमन भी झुकते हैं। वो साक्षात वेद मूर्ति है। न्याय मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण, न जाने कितने शास्त्रों के वो गहरे जानकार हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए श्रीमंत ने उन्हें पालकी के सामने दिन में भी मशाल चलाने का सम्मान दिया है। तो क्या उन्हें सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देता? ऐसी बात नहीं है फुलवंती, मशाल उनके पांडित्य की, विद्वत्ता की निशानी है। दरबार से बख्शा हुआ एक सम्मान है जो श्रीमन की ओर से एक संकेत है, आदर भाव प्रकट करने वाला संकेत। साहूकार, कहीं उनकी तारीफ करते करते आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे? तुम बड़ी नटखट हो फुलवंती, लेकिन शास्त्री जी की योग्यता ही इतनी है कि हम उन पर गर्व करें। जानती हो, शास्त्री जी जो गले में जंजीर पहनते हैं उसमें छिंगुली इतनी छुरी मैम्यान के गूंथी है। छुरी? साहूकार, हम तो अपने सुरों से लोगों को घायल करते हैं, क्या आपके शास्त्री में इतनी विद्वत्ता नहीं कि वो सामने वाले को हरा सके? उन्हें छुरी की क्यों जरूरत पड़ती है? वे छुरी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए रखते हैं। जब वे शास्त्रार्थ करने बैठते हैं तो छुरी निकालकर सामने चौकी पर रखते हैं और कहते हैं, अगर शास्त्रार्थ करते हार गया तो इस छुरी से अपनी जीभ काट लूंगा। इतनी प्रखर है उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी विद्वत्ता सबसे परे है। तो आज की महफिल में ये महाशय तो पधारेंगे ही? बिल्कुल। और आप कह रहे थे कि इस नगरी के लोग रसिक हैं। मुझे तो यहाँ सारे विद्वत्ता के बुद्ध दिखाई देते हैं। यू कहिए ना कि आज मुझे तोता पंडितों के सामने नाचना है, रसिकों के सामने नहीं। बातें बनाने में बड़ी चतुर हो। बातें मैं कहाँ बनाऊंगी, बातें तो आपके वो शास्त्री पंडित बनाएंगे, हम तो ठहरे गए। बस 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 फुलवंती, अब बातों के लिए समय नहीं है, अब प्रतीक्षा है पायल के झंकारों की। तुम तैयारी करो, हम चलते हैं।
पे ताला है। मेलों में कूल्हे मटकाने वाली कसबे भी इससे अच्छा है। बेताला है मेलों में कूल्हे मटकाने वाली कसबे भी इससे अच्छा नाच लेती है। बेताला है मेलों में कूल्हे मटकाने वाली कसबे भी इससे अच्छा नाच लेती है। फूलवंती को हाजिर किया जाए। तुम्हारा गाना सुनकर और नृत्य देखकर हम तृप्त हुए। तुम साक्षात सरस्वती देवी की पुत्री हो, मगर क्या वजह थी कि तुमने नाच एकदम बंद कर दिया? भैरवी तक नहीं गाई? अगर हम कहें कि तुमने दरबार की बेअदबी की है तो? नहीं सरकार, दासी ऐसा सोच भी नहीं सकती। फुलवंती, हम हुनरमंद की कदर करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि कला को सोने चांदी से नहीं तोड़ा जा सकता, मगर क्या हमसे मिली हुई बिदागी तुच्छ थी? श्रीमंत, ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपकी दी हुई बिदागी। इन्हें बोलने दीजिए, हम इनसे जवाब चाहते हैं। निसंकोच होकर कहो। सरकार, इतनी बिदागी मैंने कभी नहीं पाई। मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि महल के जिस जमीन ने मरहूम मस्तानी बाई के कदम चूमे, उसे माथे से छूने का मौका मुझे सरकार की मेहरबानी से मिला। तो फिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? चेहरे पे ये उदासी क्यों? सरकार, मैं आपके चरणों में फरियाद लेकर हाजिर हुई हूँ। फरियाद? कैसी फरियाद? किसके खिलाफ है तुम्हारी फरियाद? डरो मत, तुम हमारे साये में हो। तुम्हारी फरियाद सुनने से पहले ही हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें न्याय मिलेगा। उठो और साफ साफ कहो। सरकार, आज आपके दरबार में मेरी बेइज्जती की गई है। क्या, हमारे दरबार में कलावंत की बेइज्जती? तुम्हारी बेइज्जती करने की उद्दंडता किसने की? सरकार, गुस्ताखी माफ हो, आपके दरबार में मेरी बेइज्जती व्यंकटेश शास्त्री ने की है। भरे दरबार में जब मैं नृत्य कर रही थी तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात की जो उन जैसे शास्त्री पंडितों का भी अपमान करती है। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कहो। उन्होंने मुझे बेताला कहा, मुझे कहा कि मेले में कूल्हे मटकाने वाली कसबीन भी इससे अच्छा नाच लेती है। ये वेंकटेश शास्त्री जी ने कहा? हाँ सरकार, अभी अभी सरकार ने मुझे सरस्वती की पुत्री फरमाया और शास्त्री ने। बलवंती, वेंकटेश शास्त्री जी बृहस्पति के अवतार हैं, वे महान पंडित हैं, हम उनका आदर करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, वे हमारे दरबार की शान है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने मुझे बेताला कहा। क्षमा करे सरकार, लेकिन ताल और सुर की दुनिया मेरी दुनिया है, उससे शास्त्री का क्या वास्ता? लेकिन हम कैसे मान ले कि ये उन्होंने ही कहा है? फुलवंती सच कह रहे श्रीमंत, हमने अपनी कानों से सुना है। साहूकार, आप फुलवंती के कदरदान है, खैरख्वाह है, हम आपकी बात कैसे माने? सरकार, अगर शास्त्री न्याय नीति और धर्म शास्त्र के संरक्षक है तो वो ये कह दे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं उनके गले में लटकती हुई छुरी से अपनी जबान काटकर नाली में बहा दूंगी। हो सकता है वो गलतफहमी कर बैठे हो। तो ये भी वो अपनी जबान से कह दे, मैं अपने हाथों से अपनी चिता रचा लूंगी। नहीं फुलवंती, हम उनसे बात कर लेंगे। अगर उन्होंने ना समझी की हो
तो हम उन्हें समझाएंगे। सरकार, मैंने आपसे शिकायत नहीं फरियाद की है और मुझे न्याय मिलना ही चाहिए। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, हमें सोचने का समय तो दो। साहूकार आज्ञा श्रीमंत। वेंकट शास्त्री जी को हमारा प्रणाम कहिए और कहिए हम उनके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जी। बेताला, मुझे बेताला कहता है, मैं कुल्हे मटकाने वाली कस्बीन? तूने क्या समझ के ये बुला रहे? हाँ, ताल और सुर में, लय और सुर में कुछ फर्क भी जानता है? ये क्या शराब के लड्डू लीला समझ रखा है? हाँ? उस्ताद जी, आप खाना खा लीजिए। और बेटी तुम? मुझे भूख नहीं है। मैं ना जा, मेरे गहनों की पेटी ले आ। लुटिया चमचिया लेकर दक्षिणा के लोभ में मीलों दौड़ लगाने वाले तुम क्या जानो फूलवंती की साधना? बच्ची थी मैं, तब से पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं, तानपुरा उठाया है। उगते सूरज को साक्षी मानकर जो तत्कार शुरू किए, वो डूबते सूरज को वंदन करके ही रोके हैं। मुझे बेताला कहता है पेशवा ने अपने गद्दी के करीब क्या बिठा लिया, अपने आप को देवता समझने लगा है, जैसे बृहस्पति का अवतार हो, सब जानकार हो। तू बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चल कहने उठा, चलती बन। जहां गई मेरे नृत्य और संगीत ने इज्जत पाई, इनाम पाया। बड़ौदा के दरबार में तो मोतियों से नहाया था मुझे महाराज ने, एक से एक कद्रदानों की दात पाई है मैंने। सारा हिंदुस्तान मेरे घुंघरू के तले दबा पड़ा हुआ है, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगाई है मैंने। तुझे भी ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर रियाद रखेगा। तुम्हें शहर ने बहुत सताया ना मस्तानी भाई, मैं अपने तरीके से इस बात का बदला लूंगी, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना।